हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड कचर बोटियान के नर डॉग्स में। दोस्तों आज आया था ना आपने यहाँ पे लापट यहाँ पे, और अब चला गया वो सामने उधर। देखो वो जंगलों के लिए बहुत भागता है। मैंने यहाँ बांध रखा है यहाँ पे सिम्बा को। मैंने चैन लगा रखी इस पर, क्योंकि सुबह सुबह मैंने 5 बजे खोला इनको, तेरे नीचे भाग गए थे अंधेरे उसके पीछे पीछे। मैंने अभी बांध दिया है ला के, पट्टा निकाल दिया इसका। हाँ, दो फीमेल है मेरे नीचे, एक मेल और एक फीमेल नीचे गया है। देखो गार्डिंग कैसे कर रहे हूँ, खाता हूँ मैं आपको। एक तो ये है, ये मैंने नीचे लगा रखे है ड्रैगन फ्रूट के पेड़। ये सारे यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट लगा रखा मैंने अपना, तो इस साल इसके भी खेती आ जाएगी ड्रैगन फ्रूट की भी। ये देखो ये है वो फीमेल जिसके बच्चे भी आने वाले हैं कुछ दिन में। यहाँ बैठ गया क्योंकि नीचे तेल लेपड़ की आवाज़ आ रही है सामने उस साइड में, क्योंकि लंगूर है वहाँ पे, आवाज़ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ वो लेपड़ गया होगा इसलिए वो आवाज़ कर रहे हैं। तो ये डॉग यहाँ हमारे गार्डिंग के लिए बैठ गए। ये मेरी फीमेल है, अगर ड्रैगन फ्रूट में बैठे हुए मेरे यहाँ पे, कब की बैठी हुई यहाँ पे, कम से कम 1 घंटा हुआ है इसको यहाँ बैठे नूँ। इसके साथ एक मेल भी है, वो भी यही बैठा होगा, वो दिखाऊंगा मैं आपको, जाता हूँ। तो दोस्तों देखो ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, अब बाकी घर पे है डॉग, ये देख सकते हैं आप, बाकी वहाँ पे हैं और ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है सिक्योरिटी के लिए, नाइट हो चाहे डे हो। देखो यहाँ बैठे हुए आप, ये मेल है, ये देखो कैसा बैठा हुआ है। ये बकरियों के साथ रहता है सारा दिन गायों के साथ, हमें अब यहाँ बैठा हुआ है। ये नहीं अपनी एरिया से ज़्यादा दूर नहीं जाता है, इसको पता है कितना एरिया में कवर करना है, उतना ही एरिया में रहता है ये, ज़्यादा फालतू नहीं घूमता बाहर, क्या कहीं भी जंगलों में घुस जाए। देख ले जब गाय बकरियों के साथ रहता है तो उस टाइम अपने चक्कर लगा के आ जाता है जंगलों के आसपास, उसके बाद ये अपने गायों बकरियों के साथ बैठ जाता है। जितने भी हमने मवेशी लेके जाते हैं उनके साथ बैठा रहता है। और आप देखो इसकी गाड़ी कैसा कर रहा है, उधर को उसका अटैचमेंट है क्योंकि उधर से आवाज़ आ रही है, तो उधर को ही है वो, एक ने मुँह इधर कर रखा है क्योंकि एक इधर से सिक्योरिटी कर रहा है, एक उधर से। अभी वो 10 महीने का बच्चा है, कालू वो नहीं आएगा, बुलाने से भी नहीं आएगा क्योंकि उसको पता है इस टाइम यहाँ डर है, तो यहाँ वो बैठा हुआ आराम से, ये देख सकते हैं आप ये आ रहा है। अभी 10 महीने का बच्चा है और पूरी गार्डिंग करता है, फुल गार्डिंग। इसको ये नहीं बता सकता आदमी कि यार इसको सिखाया गया है या इसको, इनका जो ब्लड लाइन होती है, इनको ब्लड लाइन ही ऐसी होती है, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। ये है वो डॉग, देखो बस फिर यहाँ आके बैठ गया। ये है मेरा कालू, सिक्योरिटी के लिए बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। ऐसा डॉग पालने चाहिए भोटिया डॉग, वो अपने बता देते हैं कि हम लोग का काम क्या है। और जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं तो इस टाइम लेपर की आवाज़ सुन के उनकी आवाज़ बंद हो जाती है। इसमें देखो जंगल गया था, इसमें कांटे कांटे चुबा के ले आया ये, ये देखो पूछ पे पूरे कांटे कांटे चुबा दिए इसने, सारे शरीर पे इसके कांटे कांटे हो रखे हैं। देखो तो ये है मेरे ड्रैगन फ्रूट की भी खेती, इसमें मैं आज आया हूँ अपने ड्रैगन फ्रूट में। ये है मेरे फीमेल, इसके 5-7 दिन रह गए और डिलीवरी के। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे जो भी नए हों तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो मैं बिमलेश मिलता हूँ ऐसे
आप लोग को नए वीडियो में लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। मैं ये हमारे उत्तराखंड की शान भोटिया डॉग, ये है हमारे भोटिया डॉग, हिमाचल मस्ट बी।